दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं गाइस इस सेल्फी स्टैंड के बारे में कि इस सेल्फी स्टैंड को आप कैसे बना सकते हैं, इसका क्या साइज होता है, कौन से इसमें जो फ्लावर यूज किए गए उसका प्राइस क्या है, ये डाया जो देख रहे हैं, जो रिंग देख रहे हैं उसका क्या साइज है, इस साइकिल कितनी बड़ी है, पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। तो बात करते हैं गाइस इस सेल्फी पॉइंट के बारे में। तो ये जो सेल्फी पॉइंट बेसिकली जो होता है गाइस वो छोटे एरिया में बनाया जाता है, यानी साइज में छोटा होता है। इसकी जो साइज होती है वो स्टेज के अकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें दो से तीन या चार लोग ही सेल्फी ले पाते हैं। तो इसकी जो हाइट है गाइस वो जो आप बीम देख रहे हैं वो 7 फीट का हाइट है, और जो बीच में जो बीम लगा हुआ है वो भी 7 है। इस तरह से यदि आप इसकी पूरी लंबाई और ऊंचाई की बात कीजिएगा तो 7x7 का है, और जो बीच में जो रिंग यूज किया गया है वो 5 फीट के दाया में, यानी 5 फीट के डायमीटर के साथ 9 इंच की चौड़ाई के साथ है। साथ में ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये काफ़ी महंगे फ्लावर होते हैं, जो कि वेलवेट फ्लावर होते हैं, और यदि पर पीस की बात की जाए तो लगभग आपको 200 से 300 रुपए में आएंगे, और साइकिल की बात की जाए तो ये भी आपको 1200 से 1500 रुपए में आएंगे। इस तरह टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो मैंने पार्टी से इसका 2000 से 2500 रुपए चार्ज किया है, और टाइम मुझे 1 घंटे लगे हैं। और यदि कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट मेरा कुछ नहीं आया है गाइस, जो जनरल जो स्टाफ खर्च है वही, और ट्रांसपोर्टिंग जो खर्च है वो वही आया है। जनरली सेल्फी पॉइंट जो बनाए जाते हैं वो शादी के साथ ही कॉम्बो होते हैं, यानी ये अलग से इसे नहीं बनाया जाता, इसलिए इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं आया है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।